हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है तुम लोगों ने वो सब पढ़ लिया होगा। ऐसी बात है ना। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें काफ़ी कुछ आपको बता दिया गया था। इसका आज आई थिंक ये 13 लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है बेटा, अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो चलो अब हम टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। ये समझने से पहले एक बात तुम समझो, एक एग्जाम्पल समझो। अभी 4 महीने पहले मैंने इंटरनेट लगवाया है अपने यहाँ, तो जो उनका इंटरनेट लगाने आया था उसने ये कहा था कि स्पीड आएगी 50 Mbps, लेकिन जब हमने यूज़ करी, हमने उसका एक्सपेरिमेंटल चेक करा तो स्पीड कितनी आई? स्पीड आई 30 Mbps। बोला कितना था? 50। आई कितनी? 30 Mbps। तो 30/50 ये हो गई हमारी परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी डेटा, एक्सपेरिमेंटल एक चीज़ होती है उसकी, और एक होती है उसकी आपकी उसकी मार्क वैल्यू या उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड निकालनी है, परसेंटेज यील्ड निकलेगी किसकी? किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की। कोई रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, अब कितने परसेंट प्रोडक्ट बना? 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ या 100% से कम हुआ? तो ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है क्या था बेटा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट आपका मोल में भी हो सकता है, अमाउंट आपका वॉल्यूम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली। और नीचे क्या लिखेंगे बेटा? हम यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म थ्योरेटिकली। ठीक है बेटा, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। इतनी बात समझ में आ गई यहां तक? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया परसेंटेज यील्ड। कोई डाउट यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना। तो एक क्वेश्चन देखो पहले, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उससे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका ये है कि 10 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद कितना बेटा? 10 मोल ऑफ बी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 8 मोल ऑफ ए बी फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, अब बोला गया कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अब बहुत ध्यान से तुम्हें बात सुननी है। अब देखो रिएक्शन क्या थी हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन है A+B टू गिव AB। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा गया। 10 मोल A, कितना मोल है बेटा? 10 मोल A रिएक्ट करते हैं किसके साथ? 10 मोल B के साथ, 10 मोल B के साथ। तो मुझे ये कितना मिलना चाहिए, जल्दी बताओ। अच्छा, इसको और ध्यान से तुम इधर देखो, 1 मोल है यहाँ पर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1। तो 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B के साथ और मुझे 1 मोल AB देता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा। नहीं ना, शाबाश। अब 10 मोल A, जब 10 मोल A रिएक्ट करेंगे 10 मोल B के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 10 मोल AB। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? जब 10 मोल A 10 मोल B से रिएक्ट करा तो मुझे कितना मिला बेटा? तो मुझे कितना मिला? 8 मोल मिला। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेक्टेड और आपका थ्योरेटिकल या मार्क्ड, सेम चीज होगी। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो मुझे मिला कितना? 8 मोल। मिलना कितना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मुझे मिलना चाहिए था 10 मोल। तो परसेंटेज,
अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है, तो सिंपल सी बात है, मिलना मुझे मिला कितना, मिला मुझे 8, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कितना मिला मुझे 8, और मिलना कितना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था 10 × 100, कितना आ गया बेटा 80%। तो इस रिएक्शन की यील्ड कितनी है 80%। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये भी समझ में नहीं आया तुम्हारे तो फिर क्या समझ में आएगा। क्लियर, लिख लो इसको, अगली कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो तुम, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे थोड़ा टफ है, लेकिन अगर तुमने खुद कर लिया तो बहुत खुशी की बात, खुद नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं, तब हम करवा देंगे, लेकिन आप लोग खुद इसको ज़रूर ट्राई करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तुम्हारा यह है बेटा, 10 mole ऑफ ए रिएक्ट विथ किसके साथ, रिएक्ट विथ 20 mole ऑफ बी, ठीक है, टू गिव 5 mole, टू गिव 5 mole ऑफ ए बी 3 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। रिएक्शन है तुम्हारे पास ए बी, टू गिव ए बी 3, बैलेंस कर दोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ तक तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, नहीं ना, शाबाश। अब अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, सही चल रही होंगे आगे तुम लोगों की, आंखों का इस्तेमाल करो। ये कितना है बेटा, 1 mole, 1 mole रिएक्ट करता है 3 mole के साथ और क्या देता है मुझे, 1 mole ए बी 3। क्लियर, अब यहाँ देखो ये कितना मोल है, 10 mole, ये कितना मोल है, 20 mole। अब पहले ये देखो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट को समझो, 1 mole 3 से करता है तो 10 mole कितने से करेगा, क्या कहा, कितने से करेगा बेटा 10 mole, जब 1 mole 3 से करता है तो 10 mole करेगा 30 mole से, 10 mole करेगा 30 mole से, लेकिन है कितने, ये यहाँ कितने आपके 20 mole, तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सिस रिएजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लग गया और जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ अब क्या करना था बेटा, अब तुम्हें इसके अंदर लगाना था स्टोइकोमेट्री। तो सिंपल देखो यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये था आपका 3/20, ये आपका आ गया 1/x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 6.66, x कितना आ गया 6.66, मतलब कि ये बनना कितना चाहिए था, यहाँ पर x कितना आया 6.66, एक्सपेक्टेड आ गया, एक्सपेक्टेड इतना था कि कम से कम इतना बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, लेकिन हमारे पास ये है कितना, गिवन कितना है मुझे, गिवन है मुझे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कितना है ये 5 mole, चाहिए कितना था 6.6, है कितना 5, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, ठीक है 5 mole। तो यहाँ निकालना है तुम्हें परसेंटेज यील्ड कितना हो गया, बनना कितना 5, बनना कितना चाहिए था 6.66 × 100, तो कितना बना 75%। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत हलवा लेवल का क्वेश्चन था, क्लियर है, हलवा समझ के खा लो इसको, ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो करके दिखाओ तुम लोग खुद, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कुछ ये है बेटा, आपके पास 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग गिव 4 ग्राम CO2, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब तुम देखो जब भी इसको हीट करोगे तो क्या होगा, CaCO3 हीट करने पे कन्वर्ट होगा CaO+CO2। यहां तक बात क्लियर? कोई डाउट नहीं ना, शाबाश। अब देखो ये कितना था, इसका जब तुम मोलर मास निकालोगे 40 + 12 + 3 × 16 कितना आएगा 100, और इसका कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 44 ग्राम। तो याद रखो 100 ग्राम क्या देगा आपको, 44 ग्राम CO2 देगा। अब यह है कितना 10 ग्राम, तो तुम्हें निकालना है कि 10 ग्राम तुम्हें कितना CO2 देगा। यहाँ सिंपल क्या कर दो, स्टोइकोमेट्री लगा दो, सिखा रखा है तुम्हें, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वहां जाके वो लेक्चर देख लो, वहाँ स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों सिखा रखे हैं बहुत अच्छे से। तो देखो ध्यान से, ये आपका 100, ये 10, ये 44 / x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो,
कितनी आ गई 4.4। तो x आना कितना चाहिए था, एक्सपेक्टेड कितना था 4.4 था एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल कितना है जब रिएक्शन करके देखा गया तो कितना आया सिर्फ 4 ग्राम। तो यहां से परसेंटेज यील्ड निकल जाएगी आराम से, कितना था 4 अपॉन 4.4 × 100 कितना आया अप्रोक्सीमेट 90% समझ में आ गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। तो ये मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। कॉपी कर लो ये बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज प्योरिटी, इसको भी बहुत ध्यान से समझना, तुम्हें जरा सी देर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इधर देखो, मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास एक ओर का सैंपल है, ये है मेरे पास एक ओर, ठीक है, किसकी ओर है, ओर ऑफ कॉपर, और मैंने कह दिया ये कितना है तुम्हारे पास, सपोज ये है 150 ग्राम, क्लियर, ये ओर का सैंपल है, ओर में मेटल भी होगा और इम्प्योरिटी भी होगी। जब मैंने इसका प्योरिफिकेशन करा तो यहाँ से मुझे क्या मिला बेटा, यहाँ से मुझे मिल गया 100 ग्राम कॉपर मिल गया, ठीक है 100 ग्राम कॉपर मिला। तो अब ये सैंपल में कॉपर कितना था, कॉपर था 100 ग्राम, इम्प्योरिटी कितनी होगी, इम्प्योरिटी होगी 50 ग्राम। अब तुमने पूछा जाए कि इसकी इस सैंपल की प्योरिटी कितनी है, ये कहा जाए कॉपर की प्योरिटी कितनी है सैंपल के अंदर, तो परसेंटेज प्योरिटी अगर तुम्हें निकालनी है तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे यहां पर मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, और समझ जाओ। तो ये क्या था आपका मोल्स में, तो यहां पर क्या था आपका बेटा अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इन सैंपल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ क्या कहा हमने आपसे, टोटल अमाउंट ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100 भी कर देना, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, अगर तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब ये अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना था, मुझे परसेंटेज प्योरिटी अगर निकालनी थी तो ओर की, तो ये आपका कितना था 100, और यहाँ कितना था आपका 150 × 100। तो अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन अमाउंट ऑफ सैंपल, टोटल सैंपल कितना था 150 था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ना कुछ इसकी परसेंटेज आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं, लिखो इसको फटाफट। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं नीट में भी, AMU BTEC में भी, मेंस में भी, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल भी होते हैं और टफ भी होते हैं, दोनों हर टाइप के क्वेश्चन अभी आपको करवाते हैं हम। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 125 ग्राम चौक ऑन हीटिंग 125 ग्राम चौक ऑन हीटिंग गिव 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है बेटा। चौक क्या आपका, चौक का फॉर्मूला आप जानते हो, चौक में क्या होता है CaCO3 और कुछ इसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, गम वगैरह जो इसको बाइंड करके रखते हैं। आपसे कहा गया कि 125 ग्राम चौक को जब आपने हीट करा तो कितना मिला तुम्हें मिला 44 ग्राम CO2। अब कहा जा रहा है कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 इन चौक, चौक में कितना परसेंट प्योर CaCO3 है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना था बेटा, तुम्हें यहाँ पर रिएक्शन लिखनी थी CaCO3, जब इसको हीट करोगे क्या मिलेगा CaO प्लस तुम्हें मिलेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तो तुम्हें पता होगा कि जब भी कार्बोनेट को हीट करोगे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और मेटल, और आपको क्या मिलेगा CO2। अब ध्यान से इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में इसका कितना मोल है, 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होता है 100 ग्राम, ठीक है, अभी पीछे भी कर चुके थे हम ये, इसका भी कितना है 1 मोल, कितना है 44 ग्राम, क्लियर। तो 44 ग्राम मुझे कितने से मिल रहा है, 100 से मिल रहा है,
100 से मुझे क्या मिल रहा है, 44 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। और यहां मुझे कितना मिला, 125 से कितना मिला, 44 ग्राम। तो इससे तुम क्या समझते हो, इससे तुम ये समझे कि टोटल सैंपल कितना था 125, और 125 में CSU3 कितना होगा, 125 में CSU3 कितना होगा आपका, 100 ग्राम। तो यहां पर अगर परसेंटेज प्योरिटी तुम्हें निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी अगर तुम्हें निकालनी है, वो कितना हो जाएगा आपका, 100 अपॉन 125 इंटू 100, कितना आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया आपका 80%। मतलब इस चौक में 80% प्योर CaCO3 है। बात समझ में आ गई, बताओ बेटा कोई दिक्कत तुम्हें इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 125 ग्राम को हीट करा, 44 ग्राम मिली, तो 44 ग्राम CO2 कितने ग्राम CaCO3 से मिलेगी, 100 ग्राम CaCO3 से, ठीक है। तो मतलब इसमें चौक में कितना CaCO3, 100 ग्राम, तो 100 अपॉन 125 इंटू 100, 80 ग्राम आ गया। लिख लो क्वेश्चन ही वाला। अभी क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन था द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP व्हेन 10 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन CaCO3 होता है लाइमस्टोन भी, ठीक है, इज हीटेड कंप्लीटली। क्या कहा गया तुमसे कि तुम्हारे पास लाइमस्टोन है CaCO3, जब तुम इसको हीट करोगे तो क्या मिलता है, CaO+CO2, इतनी बात तो तुम लोगों को पता है, क्लियर होगा यहां तक बात। अब क्या कहा गया कि लाइमस्टोन कितना है तुम्हारे पास, कितना है, 10 ग्राम, लेकिन कितना प्योर है लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन कितना है 90% प्योर। अगर 100% होता तो 10 ग्राम लेते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या बोला गया, 90% प्योर, टोटल सैंपल कितना है 10 ग्राम, लेकिन उसमें प्योर लाइमस्टोन कितना है 90% का मतलब हो गया 0.9, समझ में आ गई यहाँ तक बात। और पूछा जा रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा, क्वेश्चन आया समझ में, इसमें भी स्टोइकोमेट्री लग रही है पूरी पूरी, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसका एक्चुअल मास कितना था, एक्चुअल मास था इसका 100 ग्राम, और जब ये 100 ग्राम आपका डिकम्पोज होगा कितना देगा, 1 मोल CO2, और STP पे 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब तुम्हें करना क्या है, सिर्फ एक्स निकालना है। यहाँ मैंने 0.9 से क्यों मल्टीप्लाई किया जल्दी बताओ, क्योंकि सैंपल कितना था 100, सैंपल था कितना 10 ग्राम, लेकिन 10 ग्राम का 10 ग्राम प्योर नहीं था, 10 ग्राम में लाइमस्टोन कितना था 90%, मतलब 9 ग्राम, इसलिए मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ करना क्या था, दोनों का रेशियो लेके बराबर रख दो। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो तुम्हें स्टोइकोमेट्री की ये ट्रिक शायद ना पता हो, तो आप जाके स्टोइकोमेट्री देखें, ये पूरा चैप्टर की लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे बेटा। तो देखो ये आपका एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 2.1 ग्राम, नॉट ग्राम इज लीटर, बात समझ में आ गई। यहाँ से आप निकालने हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लीटर, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लिख लो इसको बेटा। इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 10 मिलीग्राम ऑफ एफर्वेसेंट टैबलेट कंटेन ऑक्सैलिक एसिड है, और क्या इसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर, रिलीज 0.25 ml ऑफ CO2, रिलीज 0.25 ml ऑफ CO2 एट इतना टेम्परेचर एंड इतना प्रेशर, ठीक है। अब टेम्परेचर और प्रेशर आपको STP नहीं गिवन, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है। इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 25 लीटर अंडर सच कंडीशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द टैबलेट। समझो ध्यान से बेटा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर, लेकिन जब टेम्परेचर और प्रेशर हमने अलग कर दिया तब इसका जो वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम कितना बोला गया, 22.5 लीटर, मतलब मोलर वॉल्यूम मुझे कितना लेना है, 22.5 लीटर लेना है, बात समझ में आ गई। अब रिएक्शन देखो, यहां पर मेरे पास था NaHCO3+H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, और तुम
बचपन से जानते हो कि जब भी मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा क्या देगा, मेटल सॉल्ट। क्या देगा आपको यहाँ पर, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इस टोटल का जो मास है वो कितना है, 10 मिलीग्राम। इतना क्लियर हो गया तुम्हें क्वेश्चन में, ये तो था। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो और मेरी तरफ बस देखते रहो। यहाँ पर ये जो CO2 रिलीज हुआ है, ये CO2 जो रिलीज हुआ है किसकी वजह से हुआ है बेटा, किसकी वजह से हुआ है, NaHCO3। जितने मोल NaHCO3 होगा उतने ही मोल CO2 रिलीज होगा। अब इसको तुम जरा बैलेंस कर दो, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका ये हो गया। क्लियर, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। लेकिन फिर सुनो ध्यान से मैंने क्या कहा, मैंने तुमसे ये कहा कि जितना आपके पास NaHCO3 होगा उतना ही CO2 रिलीज होगा, इसमें से कोई, इसकी वजह से कोई CO2 रिलीज नहीं हो रहा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखो NaHCO3 और यहाँ क्या लिखा मैंने, CO2। उसमें से मैंने इन दोनों को ले लिया। अब इसका मुझे मास निकालना था, कितना मास होगा इसका, क्या लिख दिया मैंने X, ठीक है। अब इसका मास कितना होता है, एक्चुअल ये 2 मोल थे, यहाँ पर भी चलो 2 ले लो, चाहे तो दोनों को सिंप्लीफाई करके 1-1 कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 1-1 कर लिया दोनों को मैंने, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बात समझ में आ गया ना, ये भी 2 मोल थे, ये भी 2 मोल थे। इसका जो मोलर मास होगा, इसका मोलर मास कितना है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 84। एकदम क्लियर। अब यहाँ पर तुम समझो इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, इसका वॉल्यूम तुम्हें गिवन है 0.25 ml। एकदम क्लियर, कितना मोल है इसका। अगर यहाँ पर ये भी 2 मोल होता तो कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 था वहाँ भी 2 था, और यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 × 25 लीटर। लीटर को तुम्हें क्या करना है, ml में करना है, 2 × 25 × 10^-3 ml में हो गया, नॉट -3 + 3 ml। बात समझ में आ गई ना, सिंपल स्टोइकोमेट्री मैंने लगा दी, इसका मास मुझे निकालना है। तो और यहाँ CO2 कितना मिल रहा है आपको, 0.25 ml मिल रहा है, और CO2 किससे मिलेगा बेटा, CO2 मिलेगा NaHCO3 से। तो यहाँ पर x अपॉन 2 × 84 इज इक्वल टू 0.25 अपॉन 2 × 25 × 10^3। काटा पीटी मचाओ यहाँ पर सब। तो यहां से तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी, x तुम्हारा आगे बेटा यहां पर 0.84 मिलीग्राम। कितना आ गया बेटा, x आ गया 0.84 मिलीग्राम। अब x था क्या, x था मास ऑफ NaHCO3, ठीक है। अब टोटल सैंपल कितना था आपका, 10 मिलीग्राम, और उसमें x कितना है आपका, 0.84 मिलीग्राम। तो यहां पर तुम्हें करना क्या था, परसेंटेज ऑफ NaHCO3 कितना हो गया, ये हो गया 0.84 अपॉन टोटल कितना था, 10 × 100। तो इसको ये गया कितना आ गया, 8.4%। तो याद रखना इसका कितना था आपका, इसके अंदर इस टैबलेट में जो आपका बेकिंग सोडा था वो कितना था, 8.4%। समझ में आ गई यहाँ तक बात। पहले मैंने क्या करा, इस CO2 की हेल्प से मैंने निकाल दिया यहाँ पर कि मास ऑफ NaOH कितना होगा, मास ऑफ NaOH कितना आ गया, 8.84 मिलीग्राम, मतलब 0.84 मिलीग्राम इतना ml CO2 को रिलीज करेगा। टोटल सैंपल कितना था, टोटल सैंपल था मेरे पास 10 मिलीग्राम, तो 0.84 अपॉन 10 × 100 कितना आ गया, 8.4%। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, समझ में आ गई होगी, लिख लो फटाफट। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन IIT एडवांस का है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है और आपसे हो जाना चाहिए। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 10 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ Na2SO4 डिजॉल्व इन वाटर वॉज ट्रीटेड विद एक्सिस BaCl2 सोल्यूशन व्हेन 11.65 BaSO4 वॉज ऑब्टेन एज ड्राई PPT, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2SO4 और मोलर मास दोनों का गिवन है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन क्या होगा, Na2SO4 एक्वस है प्लस BaCl2 रिएक्ट करवाया गया और यहां तुम्हें क्या मिला बेटा, ये तुम्हें मिल गया यहां पर BaSO4 प्लस
NaCl। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? सिंपल सी रिएक्शन थी, कुछ भी नहीं था। अब क्वेश्चन में समझो क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। मतलब 10 ग्राम अगर मेरे पास Na2SO4 है तो इसमें 10 ग्राम Na2SO4 सैंपल में 10 ग्राम का 10 ग्राम ये नहीं होगा। आई बात समझ में? इसका सैंपल का मास कितना है 100 ग्राम, लेकिन ये प्योर कितना है, कितना x परसेंट, कितना है x परसेंट, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने लिख दिया x परसेंट। टोटल में से समथिंग कुछ परसेंट क्या है आपका Na2SO4 है, क्लियर। और ये तुम्हें कितना गिवन है, जब ये इससे रिएक्ट करा ये तुम्हें गिवन है 11.65 ग्राम। अब देखो ये भी सॉल्ट था, क्या था बेटा, ये भी सॉल्ट था और ये भी क्या था, सॉल्ट। अभी मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था जब भी एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट होता है तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे करना है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaSO4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4, एकदम क्लियर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। इसका मास कितना गिवन है, इसका मास x इनटू 10, x क्या परसेंटेज मुझे नहीं पता कितना था, तो ये हो गया आपका 10x अपॉन मोलर मास कितना है बेटा, इसका मोलर मास है 142 और ये आपका कितना गिवन था, ये गिवन था 11.65, मोलर मास कितना था इसका 233, एन फैक्टर लगाना भूल गए, एन फैक्टर इसका भी 2 होता है, एन फैक्टर इसका भी 2 होता है, एन फैक्टर निकालना तो मैं सिखा रखा है पहले भी और वीडियो पढ़ी भी है, जो इस वीडियो को देख रहा है मैं स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है वो स्टार्टिंग से देखे, तो इन क्वेश्चन को करने के यही सबसे सिंपल तरीका है ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर रखने का, ठीक है बेटा। 2 से 2 गया आपका, तो यहाँ पर तुम्हें निकालना है x, तो यहाँ से x जो तुम्हारा निकलेगा वो निकलेगा 11.65 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 233, तो कितना आ गया x, x तुम्हारे पास आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके आएगा ये 0.706। अब इसको परसेंटेज में कर दो, परसेंटेज में करोगे तो 0.706 इंटू 100 मतलब कितना हो गया आपका ये 70.6%। बात आ गई समझ में, कितना आया 70.6%, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो इसको, कितना आ गया आपका ये x इक्वल टू पॉइंट, समझ ही गए होगे ऐसे तो, 0.06 इंटू 100 कर दिया था तो ये आ जाएगा तुम्हारा 70.6% इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये आईडी एडवांस का था और बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन था बस, ये अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, और कॉन्सेप्ट पता कैसे चलेगा कि तुम सारी वीडियो देखोगे, मैंने बिल्कुल बेसिक से ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से। पहला जो इसका लेक्चर था वो क्या था आपका, मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड में इक्विवेलेंट वेट, थर्ड में ग्राम इक्विवेलेंट, फिर जब नॉर्मलिटी पढ़ाई थी तब फिर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया। इससे पहले वाली वीडियो में आपके मैंने ग्राम इक्विवेलेंट की कुछ IIT एडवांस के क्वेश्चन करवा रखे हैं, सब हो जाएगा, बस पूरा आप ये सीरीज देखते हुए चलने, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये IIT एडवांस का है ये भी क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझो और हो जाएगा क्वेश्चन ये भी। तो देखो ध्यान से क्या कहा गया, इफ 2 kg ऑफ 80% प्योर सॉल्ट इज रिएक्टेड विद H2SO4S पर लीटर द रिएक्शन शोन बिलो, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 90% प्योर सॉल्ट केक डेट विल बी प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, और रिएक्शन की बिना ये। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, तुम्हें इस ये सॉल्ट कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, क्लियर, और इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी गिवन है, 80% प्योर है ये, और ये जो बन रहा है ये कितना है 90% प्योर, तुम्हें दोनों की परसेंटेज प्योरिटी गिवन है। अब पूछा क्या जा रहा है कि ये कितना बनेगा सॉल्ट केक, इसको बोला गया आपका सॉल्ट केक, सॉल्ट केक कितना बने जबकि वो 90% प्योर बनेगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट होगा तुम्हें करना क्या है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4, क्लियर। अब ग्राम इक्विवेलेंट में बोल दिया गया ये कितना है आपका 80% प्योर और मास कितना है इसका 200 kg, तो ये 0.8 इंटू 200 का 200 आपका NaCl नहीं है,
200 में NaCl कितना है आपका 80%, तो 0.8 इंटू 200 केजू को मैंने ग्राम में कर दिया अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका 58.5 ग्राम, एन फैक्टर कितना था इसका 1 था, क्लियर। यहाँ देखो इसको कितना बोला गया, यह आपका 90% प्योर है लेकिन मुझे इसका मास निकालना है कि कितना कितना बनेगा, बनेगा कितना ये 90% प्योर और कितना बनेगा वो मुझे निकालना है W यहाँ पर। और मोलर मास कितना था इसका 142 था ना, अभी पीछे देखा था हमने कैलकुलेट करो उसका, यस 142 मोलर मास 142, एन फैक्टर कितना था इसका, एन फैक्टर इसका 2 था, तो यहाँ W निकालो बेटा कितना आ गया, W आपका आ जाएगा 0.8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 0.958.5 इंटू 2 सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 215.8 केजी, कितना आ गया 215.8 केजी, तो कितना बनेगा ये 90% प्योर होगा और बनेगा कितना 215.8 केजी। ये निहायत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, वैसे तुम बुक्स में देखोगे बहुत टफ होगा, बहुत टफ, लेकिन अगर तुम्हें इसका अच्छा खासा कैलकुलेशन तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट की नॉलेज नहीं है तो तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए पहले ग्राम इक्विवेलेंट अच्छे से सीख लो और हर जगह ऑलमोस्ट देंगे 90% क्वेश्चंस में तो हम ग्राम इक्विवेलेंट अप्लाई कर ही सकते हैं। बात समझ में आ गई, ये दोनों क्वेश्चन हमने ग्राम इक्विवेलेंट से करे थे, दोनों आईटी एडवांस के क्वेश्चन थे। मैंने क्या कहा दोबारा सुन लो कि जब भी एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट होगा तो वहां पर हम ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब सॉल्ट की अगर यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी की बात नहीं होती तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता, इतना था कितना बनेगा वो पूछा गया, लेकिन यहाँ परसेंटेज प्योरिटी भी बोल दी गई कि ये आपका कितना था 80% प्योर था और जो बनेगा वो बनेगा 90% प्योर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा टॉपिक जो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे सारे लेक्चर देखे हैं और इसकी पहले वाला लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी जरूर देखना। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर किस बात की है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।